कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज प्रदेश भर में दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया है। इसके पहले दिन शहर में टीकाकरण केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अनेक टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके का पहला और दूसरा डोज लगवाने का लक्ष्य रखा है और इसी के चलते ये दो दिवसीय महाअभियान आज से शुरू किया गया है। इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। कोविड-19 से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के 200 स्थानों पर टीकाकरण शुरू किया गया। इस महाअभियान में 60,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहले दिन 2 बजे तक 44,291 का लक्ष्य हासिल किया गया। इस दौरान शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पहले 2 बत्ती चौराहे से टीकाकरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। देखिए क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। निश्चित रूप से कोरोना को लड़ने के लिए हम सबके पास एक ही उपाय है और वो है हमारा टीकाकरण, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस महा टीकाकरण को महाअभियान का रूप दिया है। महाअभियान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हमें खुशी है इस बात की कि हमारा भारत देश प्रथम ऐसा देश है पूरे विश्व में जो खुद का टीका बना रहा है और खुद के टीके से अपने देश की जनता की रक्षा कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को।